हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 83 में दे रखा है, द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 11। इसकी चौथी टर्म जो है वो 11 है। सम ऑफ द फिफ्थ एंड सेवन टर्म ऑफ द एपी इज 34। फिफ्थ और सेवन टर्म का सम है 34, तो बताओ इसका कॉमन डिफरेंस यानी कि डी क्या होगा। बिल्कुल 83 की क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम नीचे मैंने इसके एक और क्वेश्चन नोट कर रखा है। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए होगा, आप इसे सॉल्व करना। इसके कॉमन डिफरेंस का आंसर आएगा 3। मैं ऊपर वाले को सॉल्व कर देता हूँ, ये बिल्कुल सेम है, खाली मैंने डिजिट ही बदले हैं। ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको। बोला फोर्थ टर्म, इससे पहले मैं लिख देता हूँ an का फॉर्मूला, a प्लस एन माइनस एक इंटू डी, ये होता है an का फॉर्मूला। अब यहाँ पे फोर्थ टर्म के बारे में बोला गया है, यहाँ पे जो भी n होगा एक कम कर देना है। 4-1 कितना हो जाएगा 3, तो हमें बोला गया a4 कितना है 11, तो a4 को हम क्या लिखेंगे, a प्लस में 3d, कितना 11 हो जाएगा। और हमें सम ऑफ द फिफ्थ टर्म प्लस में 7 टर्म, इनका सम दे रखा कितना 34। अब फिफ्थ को क्या लिखेंगे, a प्लस में 4d, सेवन क्या लिखेंगे, ए प्लस में 6d। जो भी हो नंबर एक कम हमें यहाँ पे कर देना होता है। ए और ए 2a, 4 और 6 10d इज इक्वल टू 34। पूरी इक्वेशन में 2 का डिवाइड जा रहा है, तो 2 का डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड, तो यहाँ कितना हुआ 2a डिवाइड बाय 2, 10d डिवाइड बाय 2, 34 डिवाइड बाय 2, ए प्लस में 5d इज इक्वल टू 17 आ गया। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये 2 हो गई, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस 5d इज इक्वल टू 17, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का। मैं यूज़ करूँगा एलिमिनेशन मेथड, जिसके अकॉर्डिंगली हमें या तो a को एलिमिनेट करना होता है या d को एलिमिनेट करना होता है। और एलिमिनेट करने के लिए दोनों का इक्वल होना ज़रूरी है। यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं है, बट ये दोनों इक्वल है, बट ये दोनों प्लस के हैं, माइनस नहीं हो रहे हैं, कट नहीं रहे हैं। तो मैं नीचे वालों के साथ चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, अब कैंसिल हो गए। 5 में से 3 गया माइनस का 2d, 17 में से 11 गया माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, d इज इक्वल टू 6 में 2 का डिवाइड दिया कितना आया 3। और ये में क्या करना था, फाइंड करना था कि d की वैल्यू बताओ कितनी होगी, d की वैल्यू मेरी निकल के आ गई 3। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 83 यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 84। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 84 ही मैंने नोट कर दिया है। 84 भी क्वेश्चन हमारा बिल्कुल 83 की तरह ही है। इसमें दे रखा था 9 टर्म ऑफ एपी इज -32 एंड द सम ऑफ द 11th एंड 13th टर्म इज 94, ठीक है। तो बताओ कॉमन डिफरेंस क्या होगा इस एपी का, तो आंसर आएगा माइनस का 5, डी इज इक्वल टू आएगा माइनस का 5। आपको सेम टू सेम इसी क्वेश्चन की तरह सॉल्व करना है, ये भी आपका होमवर्क होगा, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 85। बोला क्या, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन ए पी इज 1/2 3n² प्लस में 7n, फाइंड द एन टर्म, हैंस राइट द 20 टर्म। हमें एन टर्म भी बतानी है और 20 टर्म भी बतानी है। और हमें गिवन है कि एन टर्म का जो सम है वो है 3n² प्लस 7n एंड डिवाइड बाई 2। तो हमें सबसे पहले इसके लिए चाहिए ए और डी, और ए और डी निकालने के लिए हम एन की जगह पे पहले रखेंगे 1, यहाँ रखा मैंने 1² प्लस में 1/2, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 3 को 1 से गुणा किया 3, 7×1=7, 10 आया, 10 में 2 का डिवाइड दिया 5 आ गया, ये मेरा आ गया S1। याद रखना S1 और A1 हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। अब हम निकालेंगे S2 निकालने के लिए एन की जगह रखा मैंने 2 का स्क्वायर प्लस में एन की जगह 2, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, 7×2=14, दोनों को जोड़ा कितना है 26, 2 का डिवाइड दिया 13 आ गया, ये मेरा आ गया S2। याद रखना जो A2 होता है मेरा वो इक्वल होता है S2 में से S1 माइनस करने पर। तो S2 कितना मेरा 13, S1 कितना निकला था 5, माइनस किया तो 8 आ गया, ये आ गया मेरा A2, ठीक है। जो कॉमन डिफरेंस होता है, डी जो होता है वो होता है नेक्स्ट टर्म माइनस में प्रीवियस टर्म, यानी कि जो मेरी AP होती है वो ये होती है A1, A2, A3, A4 कंटिन्यू चलती रहती है। अगर कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो अगली टर्म में से पिछले वाली टर्म माइनस कर देते हैं, यानी A2 माइनस में A1, तो मेरा कौन निकल के आता है डी। तो मैं लिखूँगा डी इज इक्वल टू
8 माइनस में a1 कितना है 5, माइनस किया तो d कितना आ गया मेरा 3, d आ गया 3, a आ गया 5। अब इसके बाद में चाहे क्वेश्चन में कुछ भी पूछा सबको निकालना आसान है। हमसे पूछा n टर्म, तो n टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d, a की वैल्यू 5, n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी निकाली मैंने 3, तो यहाँ रख दूंगा मैं 3 को n से गुणा करूँगा 3n, 3 × 3, 5 में से 3 गया 2, तो मेरी n टर्म आ गई 2 प्लस में 3n, ठीक है। और हमसे पूछा था कितना, 20 टर्म भी पूछी थी क्वेश्चन में, 20 टर्म। अब 20 टर्म को क्या लिखेंगे, a प्लस में 19d, ये मैंने डायरेक्टली कर दिया। कैसे, अगर यहाँ n की जगह 20 रखता हूँ तो 20 माइनस 1 कितना हो जाएगा 19d। अब a की और d की वैल्यू पुट कर दो, a कितना है 5 और d की जगह कितना रख देंगे 3, d कितना निकला मेरा 3, 19 × 3 = 57, दोनों को जोड़ दिया कितना है 62, ये आगे मेरा 820। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 85 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में, ओके, बाय बाय, थैंक यू।